वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट और आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.3 ऐड बाय ड्राइंग लाइन। आज हमारी एक्सरसाइज 6.3 में हमें एडिशन करना है, ऐड करना है बाय ड्राइंग लाइंस, लाइन को ड्रॉ करते हुए। राइट, देखिए जैसे ऊपर हमारे एडिशन में बाय ड्राइंग लाइंस एक एग्जांपल आपके सामने है, 4+5 इक्वल टू रखना है क्या, तो यहाँ पर हमने 4 के नीचे डंडे काउंट करके लाइंस बना करके 1, 2, 3 एंड 4 लाइंस हमने ड्रॉ की, फिर 5 के आगे लाइंस हमने ड्रॉ की। ओके, उसके बाद में काउंट करेंगे और आगे लिखेंगे जितना भी हमारा ये होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। 3+4 इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स है, इसमें लिखना है क्या नंबर होगा और वो भी ड्राइंग करते हुए लाइंस को। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 अप टू 12 सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी मेथड पे आधारित हैं। ओके, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं योर सेल्फ एज अ होमवर्क। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2। ओके, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऐड बाय ड्राइंग लाइंस। तो हमें यहां पर एडिशन करना है लाइन ड्रॉ करते हुए। ओके, जैसे कि हमारा यहां पर फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 3+4 इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स दिया गया है, यहां पर हमें वो नंबर लिखना है जो दोनों को ऐड करने पे आता है। तो अब देखिए यहां पर 3 के नीचे एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, यहां पर हमें काउंट करते हैं, लाइन ड्रॉ करनी है, जितने ऊपर नंबर लिखे होंगे उतनी ही नीचे लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ऐसी आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उनको काउंट करना है लाइंस को, टोटल लाइंस कितनी हो गई, जितनी वो टोटल लाइंस होगी वही हमारा यहाँ पर उसका नंबर हम लिखेंगे, दैट विल बी द आंसर। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कितना, 3 लिखा हुआ है, तो हमें नीचे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। किस तरह से, देखिए 1, 2, 3। ओके, 3 लिखा हुआ था, नंबर 3 है तो हमने 3 नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है, प्लस ऊपर 4 लिखा हुआ है तो नीचे हम कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, 4। देखिए 1, 2, 3, 4। राइट, अब इक्वल टू में जो नंबर होगा हमें इन लाइंस को काउंट करना है, 3 तो इधर है, 4 इधर है, जो भी लाइंस होगी काउंट करके जो भी आंसर होगा हमें यहाँ पर लिखना है नंबर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना हो गया टोटल, 7, तो 7 हम यहां पर लिखेंगे आंसर। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, वो भी बिल्कुल ऐसे करना है, ऊपर कितना लिखा हुआ है 3, राइट, तो 3 हम नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3। ओके, एंड प्लस आगे कितना है 1, तो यहां पर कितना लाइन ड्रॉ करेंगे हम 1। ओके, तो अब काउंट कर लेते हैं दोनों को कितना टोटल हो गया, 1, 2, 3, 4। ओके, एक साथ काउंट करना है 1, 2, 3, 4, तो यहां पर होगा हमारा आंसर 4। वैसे भी हम 3+1 करें तो 4 ही आएगा, 3+4 करें तो 7 ही आएगा। ओके, 7 आता है ना। सो ऐसे हम देखते हैं पार्ट थर्ड, 3 पार्ट को देख लेते हैं, ऊपर 2 है प्लस 4 है तो नीचे कितने काउंट करने, बताइए कितनी लाइन ड्रॉ करूं मैं, 2, यस, तो 1, 2, ऐसे प्लस 4 ऊपर लिखा हुआ है तो यहां पर कितना काउंट करना है, कितने ड्रॉ करना है लाइंस, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए आप समझ गए होंगे हमें आगे क्या करना है, मैं आगे क्या स्टेप उठाने वाला हूँ, सभी को एक साथ ऐड कर दो, एक साथ काउंट कर लेते हैं जितनी भी लाइंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 6 हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज आंसर, क्योंकि 2+4=6। बच्चों इसी तरह से आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करना है, मेथड वही है। राइट, बिल्कुल सेम मेथड से आपको ये करना है, 1 to 12 कंप्लीट क्वेश्चंस एज ए होमवर्क आपको करना है इसमें। थैंक यू।